वेलकम टू इंडियन फिल्मी डोज। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। मेरा ये वीडियो है ओवर द पर्सनल फाइट जो हो रही है बिटवीन मुंबई पुलिस एंड रिपब्लिक भारत। अर्नब गोस्वामी जब सोनिया गांधी का नाम लेता है एज एंटोनियो मेनो, तब उसे बुलाया जाता है बाय मुंबई पुलिस एंड 12-12 घंटे तक इंट्रोगेशन की जाती है। अब मुंबई पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर उन्होंने नाम लिया रिपब्लिक भारत का, ये कहकर कि वो फेक न्यूज़ फैलाता है। मगर जो फेक न्यूज़ फैलाने वाले टेलीविजन न्यूज़ चैनल्स की डिटेल है जो पब्लिक डोमेन पर आई है, उसमें आज तक इज लीडिंग दैट एंड आज तक को तो 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ रहा है। तो मुंबई पुलिस, आपने आज तक का नाम क्यों नहीं लिया? आप रिपब्लिक भारत का नाम क्यों ले रहे हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो मुंबई के कमिश्नर परम सिंह दहिया जी भी थे। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल एवरीबडी कि यहां पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए, जस्टिस के लिए बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई है, मगर ये सुनने में भी आया है कि 80,000 फेक अकाउंट्स बनाए गए आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत डेथ टू काइंड ऑफ वॉइस जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, तो वो भी गलत था। मगर यहां पर परम सिंह जी, आप गलत है, क्योंकि अगर आप रिपब्लिक भारत का नाम ले रहे हैं जिसका नाम रिपोर्ट में नहीं है मगर आज तक का नाम रिपोर्ट में है, तो यहां पर आप खुद फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। सो हियर आई विल सपोर्ट रिपब्लिक भारत बिकॉज़ उनका नाम अभी तक रिपोर्ट में नहीं है, जबकि रिपब्लिक भारत के बहुत सारे विटनेसेस के बयान मैं सपोर्ट नहीं करती, जो विटनेसेस की आंखें ब्लर की जाती है या जिनका चेहरा क्लियरली नहीं दिखाई दिया जाता, क्योंकि ये विटनेसेस के बयान के ऊपर से हम एक नैरेटिव सेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नैरेटिव गलत हो सकता है। तो मैं यहां पर कोशिश करती हूं कि हम फैक्ट्स के साथ स्टिक करें, और फैक्ट ये है कि आज की तारीख में फेक न्यूज़ में नाम है आज तक का रिपब्लिक भारत का नहीं। That's all I want to say. नमस्ते, जय हिंद। नमस्ते, मैं हूं सलमान खान। जी हाँ, आई एम वन ऑफ द खान सुपरस्टार्स ऑफ बॉलीवुड और बहुत सालों से बॉलीवुड को मैं चला रहा हूं। ये दूसरी बात है कि ना मुझे एक्टिंग आती है ना डांस आता है, बट इतने सालों से मैं बॉलीवुड को चला रहा हूं। सो एनीवेज, अब पता है क्या हो गया है, मैं कुछ सालों से टीवी करता हूं, बिग बॉस का शो होस्ट करता हूं, वो शो तो ऐसा ही है मगर मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं तो मैं चला जाता हूं। क्या फर्क पड़ता है, पैसे ही कमाने हैं, फार्म हाउस खरीदना है तो सब कुछ सोचना पड़ता है। बट पता क्या, जब से सुशांत सिंह राजपूत का देहांत हुआ है, उसके जो फैंस हैं उन्होंने मेरी नींद हराम कर दी है। अब मुझे डर लग रहा है कि मेरे शो के सेट के बाहर आके भूख हड़ताल कर देंगे, तो मैं तो क्या करूंगा मुझे समझ नहीं पड़ रहा। क्योंकि एक साइड पे तो मैं बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन चलाता हूं, इंसानियत की बात करता हूं, और दूसरे साइड पे अगर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस आकर मेरे शो को बंद करने की मांग करेंगे तो मैं क्या करूंगा। आपको समझना पड़ेगा मैं कितनी मुश्किल से मिडिल क्लास ऑडियंसेस को टैप करने का प्रयास कर रहा हूं। देखो, लड़कियां मेरे पीछे पड़ती थी, यंग ऑडियंसेस, यंग लड़कियां मेरे सब फैंस थे, यंग बॉयज भी मेरे फैंस थे, बट अब मैं थोड़ा बूढ़ा हो रहा हूं, थोड़ा फेस सैग हो रहा है, इसलिए मुझे मिडिल क्लास ऑडियंसेस को भी टैप करना पड़ता है, और इसलिए कुछ वर्षों से मैं ये बिग बॉस कर रहा हूं सो दैट मिडिल क्लास ऑडियंस मेरे साथ जुड़े। अब मेरी स्ट्रैटेजी सब खत्म हो रही है, तो प्लीज समझिए, मैं हूं सलमान खान, मुझे सपोर्ट करिए। मैं ये शो कर रहा हूं क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं, थोड़े बहुत पैसे मैं डाल दूंगा बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के अंदर और वहां से आप लोगों का भला कर दूंगा। बट ये SSR फैंस, प्लीज मेरे शो को बंद मत करना, मेरे शो के सामने बैठ के हब्बू करताल मत करना, अगर तुमने ये सब किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गए, मैं हूं सलमान खान। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। अभी तक तो आप सबको पता चल गया होगा कि एम्स के जो मेडिकल चीफ है डॉक्टर सुधीर गुप्ता, उनका बयान आया है एंड एज पर टेलीविजन न्यूज चैनल्स रिपोर्ट्स आई हैं कि कैसे एम्स ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई ड्यू टू सुसाइड, नॉट ड्यू टू मर्डर। उनका जो मर्डर का एंगल था, स्ट्रैंगुलेशन और पॉइजनिंग, वो उनको नहीं दिखाई दिया इन द फोरेंसिक रिपोर्ट्स एंड द पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, और इस बेसिस पर वो कह रहे हैं कि जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत है वो 100% एक आत्महत्या है। नाउ क्या एम्स की रिपोर्ट गलत हो सकती है? क्या एम्स के डॉक्टर्स को ब्राइब किया जा सकता है? ये तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूं, क्योंकि कुछ दिन पहले एडवोकेट विभोर आनंद, जिनके खिलाफ अरबाज खान ने डिफेमेशन का केस फाइल किया है, उन्होंने कहा था कि एम्स की फोरेंसिक रिपोर्ट के साथ छेड़छानी की जा रही है और ये छेड़छाड़ी कर रहे हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। ही टारगेटेड डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। नाउ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को मैं मिली हूं
जब वो मेरा बूंदी वाला इंसिडेंट हुआ था, एंड वहां पर भी मैं उनसे खुद मिलने नहीं गई, उनके ऑफिस से मुझे फोन आया था, सो आई वेंट टू मीट हिम, एंड आई वेंट टू मीट हिम एट माई ओन एक्सपेंसिस बिकॉज ही सेड दैट ही वुड लाइक टू मीट मी वाया हिज पीपल. एनीवेज, बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैं डेस्परेट थी सुब्रमण्यम स्वामी जी को मिलने के लिए, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है. रही बात एडवोकेट विभोर आनंद के क्लेम की, तो एडवोकेट विभोर आनंद ने क्लेम किया था कि एम्स के रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ी हो रही है, एंड ही हैड ब्लेम्ड सुब्रमण्यम स्वामी एंड हिज पीपल फॉर दैट. अब छेड़छाड़ी हुई है या नहीं हुई है ये हमें नहीं पता, बट हमें इतना पता है कि जो मर्डर एंगल है उसको खारिज किया जा रहा है, एंड इट इज ओनली द आत्महत्या एंगल. आर द एम्स डॉक्टर्स ब्राइब्ड? वी डोंट नो, बट दिस कैन बी एन ऑब्वियस क्वेश्चन इन एवरी SSR फैंस माइंड, क्योंकि हर एक सुशांत सिंह राजपूत फैन, सपोर्टर, वॉरियर कन्विंस था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक मर्डर थी. जी हाँ, मैंने भी ये खुलासा किया था जब मेरे को ईमेल्स मिले थे, जिन ईमेल्स की बेसिस पे मुझे लगा था कि सुशांत सिंह राजपूत का मौत इज अ मर्डर, नॉट अ आत्महत्या. बट येस, ओवर द पीरियड ऑफ 3-4 months जब से हम सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ रहे हैं, वेरियस खुलासाज एंड डिस्क्लोजर्स हैव बीन डन ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म. बट येस, इफ इट वॉज अ आत्महत्या, देन अबेटमेंट टू आत्महत्या हैज टू बी प्रोव्ड. दैट इज वॉट वी आर फिगरिंग इट आउट एज पर द न्यूज चैनल आउटलेट्स एंड CBI ऑफिशियल सोर्सेज, क्योंकि अगर मर्डर का एंगल निकल गया है तो अबेटमेंट टू सुसाइड का एंगल प्रोव किया जाएगा, ऐसा लोग कह रहे हैं. बट शॉकिंगली, क्या एडवोकेट विभोर आनंद ने सही बोला, क्या उन्होंने गलत बोला, ये भी समय बताएगा. क्योंकि देखिए, सारे जो नेता होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी दे बिलोंग टू, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. यहाँ पर बॉलीवुड में भी सब बड़े एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इवन दो दे डू ड्रामा कि भैया इनके बीच में राइवलरी है जब उनकी फिल्म रिलीज होने वाली होती है, फॉर TRP एंड फॉर बहकाइंग द पब्लिक. तो क्या शिवसेना के कोई पॉलिटिशियंस के साथ, यू नो, BJP के पॉलिटिशियंस का, यू नो, संबंध था? ये तो पॉसिबल है, क्योंकि देखिए, लोग तो मिलते हैं एक दूसरे से. खबर हमने ये भी सुनी थी कि देवेंद्र फडणवीस जी, जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, वो संजय राउत को मिलने गए. ना संजय राउत को वो इसलिए मिलने गए क्योंकि संजय राउत ने कहा कि मैं सामना में उनका इंटरव्यू चाहता था. सो वॉट एवर बी द रीजंस, एवरीबडी इज कनेक्टेड. मगर हाँ, मर्डर एंगल खारिज करने से द ड्रग ट्रैफिकिंग एंगल, द प्रोस्टिट्यूशन एंगल, द चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंगल, ये सारे एंगल्स जिनके ऊपर प्रोब हो सकता था बॉलीवुड को कटघरे में रखकर, वो प्रोब ऑब्वियसली अब थोड़ा इतना आसानी से नहीं हो पाएगा, बिकॉज आत्महत्या इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. बट येस, अबेटमेंट टू आत्महत्या कैन बी ऑब्वियसली प्रोव्ड नाउ, क्योंकि रिया चक्रवर्ती द मेन अक्यूज, जो अभी जेल के अंदर है, एंड वो जेल के अंदर इसलिए है क्योंकि उसने कबूल किया कि वो ड्रग्स लाती थी सुशांत सिंह राजपूत के लिए, जबकि हमने अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के कोई भी ड्रग चैट्स पब्लिक डोमेन में नहीं देखे. वो रिया चक्रवर्ती कैन बी ट्राइड फॉर अबेटमेंट टू सुसाइड एज द फैमिली हैड इनिशियली फाइल्ड एन FIR अगेंस्ट हर. बट लेट्स वेट एंड वॉच. मगर आप लोगों का क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि एम्स की रिपोर्ट, यू नो, जानबूझकर सुसाइड, यू नो, करार दी गई है? हैज होमसाइड बीन कन्वर्टेड इनटू सुसाइड ड्यू टू ब्राइबरी? आपको क्या लगता है, क्या एम्स की रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ी हुई है? आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन अगेन टू एवरीबडी ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म. नमस्ते, जय हिंद.